अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटन स्टू, जो कि मटन की एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटन स्टू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg मटन और उसे अच्छी तरह से धो लिया है। ये जितनी सिंपल रेसिपी है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस का फ्लेम करेंगे ऑन और कुकर रखेंगे। मटन मैं यहाँ कुकर में बना रही हूँ क्योंकि प्रेशर कुकर में मटन जल्दी बन जाते हैं। तो मटन को डाल लें। इस रेसिपी में बहुत कम मसाले पड़ते हैं और सारे मसाले खड़े ही पड़ते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं ले रही हूँ 1 kg मटन के लिए 1/2 kg प्याज। प्याज हमें यहाँ ज़्यादा ही डालना है क्योंकि मटन का जो ग्रेवी बनेगा वो प्याज से ही बनेगा। यहाँ मैंने प्याज को लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। चलिए इसे भी डाल देते हैं। प्याज को काटने से पहले जरूर धो लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कुछ खड़े मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 4 से 5 बड़ी लहसुन की कलियाँ, उसको मैंने 20 से 2 पीसेस में कट कर लिया है। और 1 बड़ा अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने पतले स्लाइसेस में काट लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च। यहाँ मैंने 10 से 12 सूखी लाल मिर्च लिया है और 10 से 15 काली मिर्च। अब हम ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 3 से 4 दालचीनी, 2 काली इलायची, 10 से 12 लौंग, 4 से 5 छोटी इलायची और 4 से 5 तेजपत्ता। यहाँ मैंने इसे 2 हिस्सों में तोड़ लिया, अब इसे भी डाल दें। अब हम मटन में डालेंगे सरसों का तेल। 1/2 कटोरी मैं यहाँ पर सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप जो भी खाने में तेल इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। तो चलिए डाल देते हैं। अब हम मटन में डालेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार डालें। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो किसी चम्मच या करछी से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें आपस में मिल जाए। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें बहुत कम डालना है क्योंकि प्याज भी पानी रिलीज़ करते हैं। तो प्याज को पानी रिलीज़ करने में हेल्प मिलेगी, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 ग्लास पानी। तो ज़्यादा ना डालें, बस 1/2 ग्लास ही डालें। पानी डालने के बाद भी इसे एक बार और अच्छी तरह से मिला लें। तो ये सारी चीज़ें मिल चुकी है। हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और अब हम इसे बंद कर देंगे और 5 से 6 सीटी आने तक पकने देंगे। तो हमारी आखिरी सीटी बच चुकी है। यहाँ मैंने 6 सीटी लगाए हैं मटन में। तो अब हमें इसका प्रेशर अच्छी तरह से निकाल देना है। कुकर से प्रेशर अच्छी तरह से रिलीज होने के बाद ही इसका ढक्कन खोलें। आप चाहें तो किसी चम्मच की मदद से भी इसका प्रेशर बाहर निकाल सकते हैं। देखें इस तरह से। तो हमने सारा प्रेशर निकाल दिया है।
अब हम धीरे धीरे से इसका ढक्कन खोलेंगे। तो देखिए हमारे मटन में कितना पानी है, क्योंकि हमने कच्चा प्याज डाला था इसलिए प्याज ने अपना पानी रिलीज किया है। तो एक बार इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और एक बार फिर से गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम को हमें हाई रखना है और मटन के पानी को ड्राई करना है। पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं मटन हमारा 90% तक गला है या नहीं। तो एक मटन का पीस उठाएं और उसे दबा कर देखें। तो हमारा मटन 90% तक गल चुका है, देखिए ये अच्छी तरह से दब रहा है। बाकी का 10% इसका पानी सूखने तक गल जाएगा। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर ही रहने देंगे ताकि इसका पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो देखिए इसका पानी भी अब सूख चुका है। अब हमें बस मटन को ऑयल रिलीज होने तक भूनना है। तो हाई फ्लेम पर ही इसे रखें और ऑयल सेपरेट होने तक इसे भूनते रहें। तो देखिए मटन से हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है और उसमें से अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो हमारा मटन अब तैयार हो चुका है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए तैयार है हमारा झटपट सा मटन स्ट्यू। तो आप भी मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।